स्वागत दोस्तों आपका GTX Free Fire के एपिसोड 66 में। और आज के एपिसोड में भाई साहब टॉप क्रिमिनल्स की इतनी खतरनाक फाइट होने वाली है ना, हिप हॉप बंडल और जोकर्स के साथ। मैं तुम लोग को अभी बता नहीं सकता लेकिन तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो तुम लोग आखिर तक वीडियो को देखना क्योंकि आखिर में मतलब तुम लोग को दूंगा शाउट आउट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखता हूँ कि तू मेरे इस अटैक से कैसे बचता है। तू तो गया ज़ॉम्बी समुराई। ओह नहीं जस्टिन, ये तुमने क्या कर दिया। तेरे जैसे दो कौड़ी के कीड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लगता है अब सच में इसे रोकना नामुमकिन हो गया है। तुम सबको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ये जो भी हुआ ठीक नहीं था। इतने कमजोर बंडल से मैं कैसे हार सकता हूँ। शायद मास्टर वुकोंग ने सही ही कहा था कि मेरे अंदर अब कोई भी एबिलिटी नहीं रही, और अब उन्होंने तो मुझसे मेरा बंडल भी छीन लिया। शायद अब मैं किसी काम का नहीं रह गया। मुझे इन सबसे दूर ही चले जाना चाहिए। हाँ यही ठीक होगा। भाइयों, अपन लोग को सब लोग निकम्मा समझने लगे हैं। फ्री फायर में कोई इज्जत ही नहीं है हमारी। ऐसा ही रहा तो एक दिन सब डायनो बंडल्स को भूल जाएंगे। अरे देखो जरा तो कौन आया है, ये तो वही आलोक का बच्चा है। अरे मियाँ, अगर आज हमने इसे यही मार दिया तो फ्री फायर में तो हमारा बोलवाला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये अपन का शिकार है, इससे तो अपन इच मारेगा। मैं आज बिल्कुल भी लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग आखिर यहाँ आए कैसे। लगता है आज वाकई में मेरा बहुत ज्यादा बुरा दिन है। एक के बाद एक कोई नई मुसीबत मेरे सर पे आती ही जा रही है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, लगता है बैड लक ही खराब है। ऐसी हालत में तो मैं इनसे लड़ भी नहीं सकता। ओ नहीं, अब ये क्या है। हेलो, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हमें साथ मिलकर बहुत सारे काम करने हैं आलोक। अब तुम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चलना होगा लेकिन कहाँ। ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मैं अभी कहीं चलने के मूड में नहीं हूँ, मुझे अपने दोस्तों के पास वापस जाना है। तुम अपने दोस्तों के पास बाद में भी जा सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास उससे भी कहीं इम्पोर्टेंट काम है। मैं कब से ग्रीन क्रिमिनल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं उसका कॉल लग ही नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने मुझे लोकेशन भेजी थी। वो नहीं, मुझे तो लगता है कि ग्रीन क्रिमिनल के ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो हिप हॉप का पता लगाने गया था लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो पकड़ा गया है। भैया जी, ये तो बहुत बुरी खबर है। मुझे तो पहले ही लगा था कि ये ग्रीन सब अकेले नहीं कर पाएगा। भैया जी, वो हिप हॉप और उसके साथी बहुत ज्यादा साथी रहे, क्या पता हमें फंसाने की उनकी ये कोई चाल हो। भैया जी, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। बनी, ग्रीन क्रिमिनल बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। उम्मीद है कि तुम सब अपना ख्याल अभी रख सकते हो। हाँ भैया जी, मैं तो ठीक हूँ। तुम जाओ और जैसे ही मेरे भाई उठेंगे मैं उनको लेकर आ जाऊँगा सबके बैकअप के लिए गन्ना चूस के। भाइयों, अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। इसका अंजाम उस हिप हॉप और उसके जोकर साथियों को भुगतना ही पड़ेगा। उसने टॉप क्रिमिनल्स को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। ग्रीन क्रिमिनल मेरे भाई, तू टेंशन मत ले, हम आ रहे हैं तुझे बचाने के लिए। अब हम सारे भाई मिलकर अपने दुश्मनों को मार मार कर उनके छक्के छुड़ा देंगे। चलो भाइयों, आज वक्त है सबको बताने का कि टॉप क्रिमिनल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। पता नहीं मेरे भाई ग्रीन क्रिमिनल किस हालत में होगा, मुझे जल्द से जल्द उसकी दी हुई लोकेशन में पहुंचना होगा।
अरे कमाल है हमारे सारे डायमंड्स चोरी हो गए और हम कुछ नहीं कर पाए हैं। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो फ्री फायर में सबसे बड़ा नोबड़ा करैक्टर अल्वारो है, मैंने सब पता लगा लिया है उसके बारे में। अरे कमाल है तुम लोग बस पता ही लगाते रहना और वो हमारे डायमंड्स लेकर मौज कर रहा होगा। वो वहाँ आया था लेकिन अभी तक आया नहीं, लेकिन मेरे खबरियों ने बताया था कि वो यहीं आएगा। चलो देखते हैं। अबे एक मिनट, गोला बारूद का सामान कहाँ है? अरे कमाल है वो तो तू लाने वाला था ना, मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे लेकिन तूने बोला था ना कि तू लेकर आएगा, किसी काम का नहीं है तू, शेर नहीं बिल्ली है। अबे ओए अपनी गलती मान, मेरे ऊपर मत थोप, तूने बोला था कि तू वो गोला बारूद का बैग लेके आएगा। अरे तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, अल्वारो आता ही होगा। तुझे इतना खिलाया पिलाया लेकिन फिर भी तू एक नंबर का काम चोर निकला, इतना सा काम नहीं कर पाया रे तू। अरे कमाल है सबसे बड़ा निकम्मा तो तू है, है, है कुछ आता जाता है नहीं, बस ऑर्डर देता रहता है। अरे ये जानवर के शकल के इधर भी पहुंच गए। अरे पेपर कट, अब तू ही समझा इन दोनों को। अरे भाइयों वो देखो वो आ गया वो, जल्दी देखो। अबे गधे के बच्चे, कभी तो अपनी गलती मान लिया कर, कब से बिना मतलब की बकवास किए जा रहा है। अरे मगरो सुनता है, जल्दी देख वो चोर हमारे सामने ही खड़ा है। मगरू तू अब बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, अपना मुंह बंद कर नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। जेवरा लगता है इन लोगों के चक्कर में हमें हमारे डायमंड कभी नहीं मिलेंगे। ये नुबड़े इतना चीख चीख कर क्यों लड़ रहे हैं, चलो चलकर देखता हूँ। अच्छा तो ये लोग मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं, अच्छा हुआ सारे डायमंड्स लगाकर ये सुपर कार ले ली, इसके अंदर तो ये लोग मुझे छू भी नहीं पाएंगे। अरे ये तो वही अल्वारो है, जल्दी पकड़ो इसे, और इसके पास इतनी खतरनाक कार कहां से आ गई? अरे कमाल है जरूर इसने हमारे सारे डायमंड से ये कार खरीद ली होगी, ये कार तो प्रेफर में है भी नहीं। लुबड़ो तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। तरीके ये तो फिर से हमारे हाथों से निकल गया, तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रह गए, मुझे बताया क्यों नहीं कि वो यहाँ आ गया है? कब से हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, लेकिन तू तो शेरू से बकवास करने में पड़ा था। जबरा के बच्चे बहुत बहुत बोल रहा था, ये ले और बन रख अपना मुँह, तू भी ले, तुम सबकी गलती है, तुम्हारे कारण ही वो भाग गया है, ये ले। ये ले मगरू के बच्चे बहुत बकवास कर रहा था एक घंटे से, ये ले और ले कमाल है अकेले। ग्रीन क्रिमल आज तो तेरी खैर नहीं, चल उठ जल्दी से बैठ गाड़ी में। मेरे भाई मुझे बचाने आते ही होंगे और जब वो यहाँ आएंगे वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपना मुंह बंद करना पड़े और बैठ चुपचाप गाड़ी में। तुम लोग उससे बकवास करना बंद करो, रेड क्रिमिनल और उसके साथी यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा तो टॉप क्रिमिनल्स यहाँ पहुँच गए मेरे बिन बुलाए बराती। मुझे तो पहले ही नहीं पता था कि तुम लोग अपने भाई के पीछे पीछे यहाँ खींचे चले आओगे, इसीलिए तो मैंने ये जाल बिछाया था, तुम्हारे भाई को मैंने यहीं कैद कर रखा है, लेकिन क्या लगता है तुम लोगों को कि तुम लोग उसे बचा पाओगे? बिल्कुल गलत, क्योंकि मेरे रहते आज यहाँ से कोई जिंदा लौट के नहीं जा पाएगा, और जहाँ तक रही बात तुम्हारे भाई की तो वो तो पहले ही दूसरे अड्डे पे पहुँच चुका है। क्या
अगर मेरे भाई को रत्ती भर भी चोट पहुंची तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओए रेड क्रिमिनल, तू मेरा मुकाबला करना चाहता है या अपने भाई को बचाना चाहता है? इसका जवाब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। ग्रीन क्रिमिनल, आज तेरे भाई कुत्ते की मौत मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा। मैंने कहा था ना, तुम दो कौड़ी के जोकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। मैंने कहा था मेरे भाई आएंगे और वो अब तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, तुम चाहे जितना भी छुप लो। अब तुम लोग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हिप हॉप के बच्चे, मैं तुझे बाद में देख लूंगा, सबसे पहले तो मुझे अपने भाई ग्रीन क्रिमिनल को बचाना होगा। अरे यार, ये लोग तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। भाग डार्क भाग। तो नहीं, ये तो अंधाधुन गोलियां बरसा रहे हैं। रुक जा जोकर के बच्चे, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले कुत्ती जान बचा ले। मुझे जल्द से जल्द इनकी पांच से दूर निकलना होगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा और ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। रुक जोकर के बच्चे, रुक, भागता कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है भागने की? आज तो मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। ये ले, आया ना मजा, और ले पंगा टॉप क्रिमिनल से। अब अगली बारी तेरे भाइयों की है। चल अपने भाइयों को अलविदा बोल दे येलो क्रिमिनल, क्योंकि अब तू दोबारा उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। बहुत परेशान किया है तुमने हमारी गिल्ड को, अब सबको चुन चुन कर मारूंगा। आज तो पूरी टॉप क्रिमिनल्स की गैंग एक बार में ही खत्म हो जाएगी। मालिक तो आज बहुत खुश होंगे हमारे काम से। ओ नहीं, ये लोग मेरे भाइयों को धोखे से मार रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भैया जी प्लीज जल्दी कुछ करिए, नहीं तो ये जोकर्स अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ग्रीन क्रिमिनल, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देख कैसी तबाही होने वाली है। लो गाड़ी को और तेज भगा, आज ये जोकर्स हमारे हाथों से बचकर जाना नहीं चाहेंगे। आज इन जोकर्स का फ्री फायर में आखिरी दिन है, आज इनका नामो निशान मिटा देंगे हम। चल निकल लो रे। अरे नहीं, उसी गाड़ी में हमारा भाई है, और तेज भगा, कहीं वो हमारे हाथों से निकल ना जाए। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम लोगों को घसीट घसीट के मारूंगा आज मैं। तुम जो कर्ज ने हमसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे नुबड़ो, पहले खुद की जान तो बचा लो, फिर हमें सजा देना। अरे ये क्या, इन्होंने तो ग्लू बॉल लगा ली। कब तक बचोगे तुम लोग? तेरा खेल खत्म जोकर के बच्चे। चले चल पर्पल, जल्दी से निकलते हैं अब, इससे पहले कि वो रेड क्लाउन हमारे भाई को लेकर यहाँ से निकल जाए। अरे तो, मेरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? इस नुबड़े ने तो हमारी गाड़ी फोड़ दी। ओ नहीं, ये तो रेड क्रिमिनल है, लेकिन ये तो हमारे पीछे था, फिर ये यार कैसे पहुंच गया? बस जोकर के बच्चे, तेरा खेल अब यहीं खत्म होगा, बहुत दौड़ाया है तूने हमें। भैया जी आ गए, अब लुबड़े तेरी खैर नहीं, वो अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू तो गया रेड क्रिमिनल। ओ नहीं,
इसने तो ग्लू बॉल लगा ली। भैया जी आप आ गए, मुझे पता था मुझे आप जरूर ढूंढ लेंगे। अरे नहीं, फिर से मेरा पप्पा ढो गया, मैं फिर से अपने काम को पूरा नहीं कर पाया। मेरे छोटे भाई ग्रीन क्रिमिनल, तू ठीक तो है ना? अब देख मैं कैसे तेरा बदला लेता हूँ इस जोकर से। क्यों रे जोकर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? तुझे पता नहीं क्या कि इस फ्री फायर में टॉप क्रिमिनल्स कितने खतरनाक है? अगर कोई उनसे उलझने की कोशिश करता है तो सीधे उनका सफाया हो जाता है यहाँ से। क्यों रे तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे जैसे बंडल्स की कोई औकात नहीं हमारा मुकाबला करने की। मन तो कर रहा है कि इस सुनसान इलाके में तुझे जिंदा मार दूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू कहां गायब हो गया। बहुत अच्छे भैया जी, इनका यही हाल होना चाहिए। अब ये जोकर हमारे खिलाफ जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन तेरा क्या होगा ग्रीन क्रिमिनल? ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। ओ नहीं, हिप हॉप, ये कहां से आ गया? भैया जी बचाइए मुझे। बकवास बंद कर नूबड़े, तुम लोग इनक्यूबेटर के नाम पर धब्बा हो, तुम लोग अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। हिप हॉप, क्या लगता है तुझे कि ज़ॉम्बी समुराय के साथ मिल जाने से तू बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है? तेरा आज यही घमंड मैं तोड़ कर रहूंगा। खुद को टॉप क्रिमिनल्स कहने वाले जोकर सो तुम सब, एक दिन तुम सबको कचरे की तरह रौंद कर खत्म कर दूंगा। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, लेकिन मुलाकात बहुत जल्द होगी। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जब तू दोबारा मेरे सामने की हिम्मत करेगा। अब ये ग्रीन को क्या हुआ और यहाँ चल क्या रहा है? लगता है हमने आने में देर कर दी। इसका जवाब तो भैया जी ही दे पाएंगे, और सबसे पहले तो ग्रीन को यहाँ से ले जाना ही ठीक रहेगा। मैं एक बार फिर से उस ज़ॉम्बी समुराई से हार गया। पिछली बार भी उसने मेरे गिल्ड पर अटैक किया था और मेरे सारे एलीट भाइयों को खत्म कर दिया था, तब भी मैं उसे नहीं रोक पाया। और अब उसने मेरे भाई हिप हॉप को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। इस बार भी मैं निकम्मों की तरह हार गया ज़ॉम्बी समुराई से। मेरा इस फ्री फायर से जाना ही ठीक होगा, मेरे जैसे बेकार बंडल की यहाँ कोई जगह नहीं। तुम सब एक नंबर के निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। मैंने गलती कर दी जो बचा कर यहाँ ले आया। अच्छा तो यही होता कि तुम लोग वहीं मरे पड़े रहते, कम से कम मेरे सिर में तुम नूबड़ों का बोझ तो उतर जाता। वो ग्रीन क्रिमिनल तक नहीं संभाला गया तुम सबसे, धिक्कार है तुम जैसे बंडल पर। अब सारा काम मैं अकेला ही करूंगा। ओके, तुम लोग को वीडियो कैसी लगी? हाँ मुझे पता है तुम लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो तुम लोग कमेंट्स में क्यों नहीं बताते कि मैं अगले एपिसोड में क्या नई स्टोरी लेके आऊँ। हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुम लोग बताओ और थोड़ी मैं ऐड करूँगा, इससे क्या होगा कि तुम्हें भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। तो चलो देखते हैं कि किसकी स्टोरी में सबसे ज़्यादा दम है, कमेंट्स करके जल्दी जल्दी बताओ। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। फिलहाल अब बारी है शाउट आउट की, तो रेडी हो जाओ शाउट आउट के लिए। तो हमारा पहला शाउट आउट जाता है TF Fire Gaming को, जो कि बोले हैं भाई भाई प्लीज GDX Free Fire एपिसोड बुया पास लाओ, प्लीज भाई लव यू ब्रदर। तो लव यू टू मेरे भाई। और हाँ बुया पास को लाने वाला हूँ मैं, लेकिन कौन सा लाऊं? हाँ देखते हैं, उसके ऊपर अलग ही एपिसोड बनाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट के ऊपर। तो हमारा दूसरा शाउट आउट जाता है कार्टून बेंटन। ओके ये तो अजीब सा नाम है, लेकिन भाई प्लीज सीजन 10 वाला इलाइट पास रैम्पेज वाला उसको लाओ और उसको सबसे ज्यादा पावर दो, क्योंकि वो ज़ॉम्बी समुराय से ज्यादा पावरफुल है प्लीज। ओके तो वो मेरे ख्याल से अभी ज़ॉम्बी समुराय से कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन रैम्पेज भाई साहब नेक्स्ट लेवल के सारे बंडल थे। फिलहाल उसको रिटर्न करने के बारे में सोचेंगे फ्यूचर में, अभी फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट की तरफ। तो हमारा अगला शाउट आउट जाता है मैक्स लेजेंड का, जो कि बोल रहे हैं भाई अब मजा आएगा ना भैया जी, लव लव लव। ओके तो हाँ सही बोला है, अभी मजा आएगा भैया जी। आयुष शाउट आउट टू यू मैक्स लेजेंड भाई, और भाई साहब मजा आना तो अभी शुरू होगा, क्योंकि ये है फाइनल चैप्टर जिसमें खत्म होगी कहानी हमारे ज़ॉम्बी समुराय की, और आखिर में इतना खतरनाक सस्पेंस मिलेगा कि तुम लोग का दिमाग हिलने वाला है इस सीजन के एंड पे। हाँ तो अब अगले शाउट आउट के ऊपर हम बढ़ते हैं, जो कि है हुसैन अली देवजनी।
ओके तो आयुष शाउट आउट टू यू ब्रो हुसैन भाई, ये बोल रहे हैं आलोक क्रिमिनल की गिल्ड में आ जाना चाहिए और न्यू पावर अनलॉक कर देता है। ओके आलोक क्रिमिनल की गिल्ड में नहीं, वो गिल्ड वो कौन की है जिसमें आलोक और क्रिमिनल दोनों हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि ज़ॉम्बी समुराई की फाइट के बाद कौन किसकी गिल्ड में जाने वाला है। तो हमारा अगला शाउट आउट जाता है अथर्व गेमिंग को, जो कि बोले ब्लड मून समुराई को वापस लाओ और रूबी डीमन के भाई वापस लाओ अच्छी शक्ति के साथ। अच्छा अच्छी शक्ति के साथ, अरे भाई यार क्या लिखते हो तुम लोग। ओके तो अथर्व भाई आई यू शाउट आउट टू यू। फिलहाल ब्लड मून तो मर गया भाई, कैसे आएगा उसको तो ज़ॉम्बी समुराई ने हवा में वेपराइज कर दिया, उसका धुआं धुआं हो गया है। और रूबी डीमन का अभी पता नहीं, शायद आ सकता है, मैंने शुरुआती एपिसोड्स में लाया था उसे और अब तो मुझे ही ध्यान नहीं कि उसका क्या हुआ, गायब हो गया क्या। बढ़ते हमारे अगले शाउट आउट की तरफ, जो कि भाई साहब है इट्स डिफरेंस बूया भाई, नहीं ये क्या है, इट्स डिफरेंट बूया भी 49.26 मिलियन व्यूज। भाई यार नाम इतना बड़ा लगते हैं, आई शाउट आउट टू यू इट्स डिफरेंट बूया भाई। तो ये बोल रहे हैं कि भाई साकुरा और हिप हॉप दोनों को गोल्डन बनाओ जल्दी से भाई, पुराने कैरेक्टर को रिटर्न करो और हाँ अलवारो को भी भाई, स्काइलर क्रोनो बगीरा ये क्या है भाई, मोगली से आ गया क्या, क्या हाल है भाई, लव यू फ्रॉम झांसी। तो भाई जरूर आएंगे ये सब वापस, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, आगे आने वाले एपिसोड में तुम लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में। ओके हम बढ़ते हमारे अगले शाउट आउट की तरफ, जो कि है नरेश ट्यूबर स्टार, जो कि बोले भाई आप आलोक की गिल्ड में बढ़िया बनाओ, साकुरा को वापस लाओ और वीडियो 3 साल से देख रहा हूँ। तो भाई यार इतने लंबे समय से देखने के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई। और फिलहाल आलोक की गिल्ड में अभी और अच्छे अच्छे आएंगे मंडल, लेकिन अभी मैंने बताया कि वो वुकोंग की गिल्ड है आलोक की नहीं, जब ज़ॉम्बी समुराई मर जाएगा तब उनके आगे की गिल्ड देखते हैं कि कौन किसकी होने वाली है। फिलहाल हम बढ़ते हमारे अगले शाउट आउट की तरफ, जो कि है एफ एफ देव भाई, जो कि भाई बोले भाई तेरे वीडियो बहुत अच्छे लगे ओपी ओपी ओपी। तो थैंक यू सो मच आयुष शाउट आउट टू यू एफ एफ देव भाई, इतना ही प्यार देते रहो बस। हमारा अगला शाउट आउट जाता है सरवन किंग ऑफ नेपाल, जो कि बोले आपकी वीडियो बहुत ही प्यारी है भाई, GTA छोड़कर कभी मत जाना, लव यू भाई एंड लव फ्रॉम नेपाल। ये भाई बंदा सच में बहुत बार कमेंट कर चुका है और लव यू सो मच मेरे भाई, तुम लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया ना कि क्या ही बोलूँ, छोड़ के जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो भाई साहब आज के शाउट आउट सेक्शन बस यहीं तक थे, अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट्स में अपने व्यूज़ को नहीं बताया कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर तुम लोग अगले एपिसोड्स में क्या चाहते हो, तो जल्दी से कमेंट्स करके बता दो। फिलहाल मैं चलता हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए, तब तक मैं डबिंग करता हूँ, क्या पता शायद इस बार 2 दिन में आ जाए। ए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुम लोगों से, बाय बाय।